दोस्तों सच्चा हितैषी कौन है, कौन है जो आपको सही राह दिखाएगा? भैया जैसे लोग। भैया के साथ मैंने पहले ही वीडियो बनाई थी अचीवमेंट सर्टिफिकेट के साथ में, आप वो देख सकते हैं। भैया का अपना जिम है और स्पेशल आए हैं लखनऊ आउटलेट। मेरा दिल खुश हो जाता है जब मैं इसी तरीके के किसी सच्चे हितैषी को देखता हूँ। अपने लिए सप्लीमेंट लेने नहीं आए हैं ये, अपने स्टूडेंट्स के लिए जो इनके पास जिम करते हैं, जो इनसे ट्रेनिंग लेते हैं, उनको सप्लीमेंट दिलाने लाए हैं। क्यों कहा मैंने सच्चा हितैषी? क्योंकि सच्चा हितैषी वही है जो सही सलाह दे। और सही सलाह का मतलब, अगर आप सप्लीमेंट लेने के बारे में सोच रहे हैं और कोई आपसे कह रहा है कि सप्लीमेंट्स लो, तो सिर्फ सप्लीमेंट्स ला से, इसका मतलब वो सच्चा हितैषी है, सच्चा मित्र है, सच्चा ट्रेनर है, सच्चा दोस्त है, सच्चा साथी है। क्योंकि दोस्तों फेक सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा है मार्केट में। आप अगर बचना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, तो ओरिजिनल सप्लीमेंट्स, सिर्फ सप्लीमेंट्स मिला। तो यहाँ पर सबसे पहले भैया को स्वागत करूँगा। भाई बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर, सर का बहुत बहुत स्वागत है। और लेते हैं इंट्रोडक्शन। भाई आपका नाम? शिवम रावत सर जी। कहाँ से हैं आप? सोरम से। भैया आपको किसने बोला यहाँ आने के लिए? संदीप सर जी। और सर आपको ट्रेनिंग देते हैं जी? इन्हीं के जिम में जाते हो आप? जी जी। और भैया मतलब कैसा लगा आपको यहाँ के? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा जी। सर आपका नाम? संदीप रावत जी। कहाँ से हैं आप? सोरमो से। सर कौन लगते हैं ये आपके? ये हमारे स्टूडेंट हैं। आप ट्रेनिंग देते हैं सर? जी जी जी। अच्छा सर क्या नाम है आपके जिम का? अंश फिटनेस क्लब जी। कहाँ पे है ये? सोरमो जी। सोरमो में है अंश फिटनेस क्लब। तो अगर आप भी आसपास रहते हैं तो इसी जिम में आपको जाना है। अच्छा भैया आप पहले भी बच्चों के लिए ले आते रहे सप्लीमेंट्स? जी जी। अच्छा जिसके लिए आप बच्चों के लिए ले जाते हैं सप्लीमेंट्स, उसको रिजल्ट आते हैं? रिजल्ट आते हैं। अभी कोई नुकसान? नुकसान नहीं आया अभी। नुकसान नहीं है, हमेशा रिजल्ट आते हैं। तो दोस्तों ये है सप्लीमेंट्स वाला परिवार। और भैया आप एज ए ट्रेनर सबको क्या सलाह देंगे? कि सप्लीमेंट से प्रोटीन लें और गलत प्रोटीन मत लें, चूरन चटनी ना खाएं और कोई कैप्सूल वगैरह ना यूज करें, इंजेक्शन वगैरह। और सप्लीमेंट्स ले तो कहाँ से? सप्लीमेंट विला। सप्लीमेंट्स विला से। सुन लो यहाँ पर। तो दोस्तों आप अक्सर कहते हैं ना, मुझे किसी ने बताया वहाँ चले जा, वहाँ मत चले जा, मत जाओ कहीं भी, सिर्फ सप्लीमेंट्स लाओ, जुड़ो सप्लीमेंट्स विला के साथ में। तो यहाँ पर अब जो है शिवम के लिए भैया जो है सप्लीमेंट्स दिलाने लाए हैं। तो शिवम क्या लिया है आपने, क्या चाहते हैं आप? मास गेनर सर जी। मास गेनर? मास गेनर थोड़ी लिया है आपने, वो तो बता रहे थे क्या पहले खाया था आपने? प्रोटीन लेना चाहते थे हम। मास गेनर जी, मसल गेनर लिया है जी। जी भैया दिखाओ जरा, यहाँ पर भैया ने लिया है मसल गेनर, पावर प्लस मसल गेनर। पहले भैया मास गेनर खा चुके हैं आप जी? रिजल्ट आए उससे? बढ़िया। मास गेनर से रिजल्ट इनको आ गया। अब कितना वजन हो गया है? मेरा 66 है। 66 किलो वजन हो चुका है। अब मास गेनर लेने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं, क्योंकि अब मास गेनर एक लिमिट के बाद में बॉडी में फैट ही देगा। अगर आपका वजन कम है तो आप स्टार्टिंग में एक दो बार मास गेनर ले सकते हैं, उसके बाद फिर नहीं लेना। मास गेनर हमेशा की चीज़ नहीं है। अब भैया चाहते हैं कि मसल साइज बढ़े और वजन भी बढ़े, तो लिया है पावर प्लस मसल्स गेनर। ये 22 ग्राम प्रोटीन, 25 ग्राम कार्ब, सारे विटामिन मिनरल्स आपको देगा। और इससे वजन बढ़ाना चाहते हो 2-3 किलो, तो आधा आधा स्कूप दिन में 3 बार बनाना शेक में ले लो, ये वजन भी बढ़ा देगा और नुकसान इसका कुछ है नहीं। और भैया ने एक और स्टूडेंट के लिए लिया। भैया क्या नाम है उनका जिनके लिए लिया आपने वो मास गेनर? वो अनकेश हैं। और अनकेश और एक भी और स्टूडेंट है अजीत सिंह जी। दो बच्चों को लेंगे अभी। क्या क्या लिया है उनके लिए आपने? वही मास गेनर लेंगे। पावर मास गेनर लिया है इन्होंने। तो ये अपने स्टूडेंट के लिए भी ले जा रहे हैं पावर मास गेनर का बाल्टा। 8 से 10 किलो वजन बढ़ाएगा, वजन कम है इनके जो स्टूडेंट है जो इनके पास ट्रेनिंग लेते हैं। तो आप भी लो अगर वजन कम है, और वजन ठीक है तो मसल गेनर या प्रोटीन लेना है, क्योंकि मास गेनर बार बार रिपीट नहीं करना। भैया मतलब आज तक कोई भी स्टूडेंट जिसको भी आपने सप्लीमेंट्स लाए, आप कानपुर से भी ले जाते रहे हैं, कभी किसी ने आपको उलाहना तो नहीं दिया ना कि सर कहाँ से दिला लाए, क्या दिला लाए, रिजल्ट नहीं आया और साइड इफेक्ट हो गया, कभी किसी ने कहा? नहीं ऐसा कुछ नहीं, कभी किसी ने। सब तारीफ करते हैं? सब तारीफ करते हैं। सुन लो यहाँ पर यार, ये है सप्लीमेंट्स वाला, तो आप भी लीजिए। ओरिजिनल मिलते हैं जी आपको? ओरिजिनल मिलते हैं बिल के साथ में जी जी। जीएसटी बिल के साथ में अब भी मिले हैं। तो यहाँ पर ये जीएसटी बिल है और ये टी शर्ट शेकर सब ये गिफ्ट है सप्लीमेंट की तरफ से। भाई सब ये आपके लिए। अब यहाँ देखें तो नो डाउट यहाँ पर यार 800,000 का टैक्स भी पे किया है। पूछना चाहूंगा क्या फर्क पड़ा, जहाँ सेहत का सवाल है पैसा देखना चाहिए शिवम जी? जहाँ सेहत की बात है वहाँ पैसे देखना चाहिए हमें? भाई खोए पड़े हैं कैमरे के अंदर, भाई पैसे नहीं देखने चाहिए। सेम चीज सर से पूछूंगा, सर जहाँ सेहत की सवाल है पैसा देखना चाहिए बच्चों को? सेहत के आगे पैसे कुछ मायने नहीं रखता है। और सर जो लखनऊ में मैंने देख रहा हूँ कि बहुत ट्रेंड अब चलने लगा है दिल्ली एनसीआर की तरह, बच्चे मतलब हर जिम में स्टीरोइड ले रहे हैं, गलत चीज़ ले रहे हैं, जल्दी के चक्कर में, सस्ते के चक्कर में पड़ रहे हैं, उन बच्चों को क्या सलाह है?
वो ये सब चीज़ें मत लें, सिर्फ सप्लीमेंट विला से ही सप्लीमेंट मिलकर लें। तो सुन लो यार, ये सब चीज़ मत लो, ये ट्रेनर बोल रहे हैं और ये सच्चे ट्रेनर हैं, क्योंकि आपको सही सलाह दे रहे हैं। तो जुड़ो सप्लीमेंट्स विला से, ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लो, वजन बढ़ाना है घटाना है जो भी आपका गोल है वो सब पूरा होगा सप्लीमेंट्स विला पर। तो आइए, लखनऊ आउटलेट आप विजिट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन कोरियर सर्विस ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। ये वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखा दो, देख लो, हर किसी का विश्वास सप्लीमेंट्स विला है। अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, आप अपने बच्चे को सप्लीमेंट्स लेने से मत रोको, बस उससे ये कहो कि सप्लीमेंट्स लेगा तो सिर्फ सप्लीमेंट्स विला से। तो आइए सप्लीमेंट्स विला, लखनऊ आउटलेट विजिट कर सकते हैं आप, कानपुर आउटलेट जा सकते हैं जहाँ पर भैया पहले जाते थे। अच्छा भैया, कानपुर नज़दीक पड़ता है लखनऊ? लखनऊ नज़दीक होने, लखनऊ नज़दीक पड़ता है, चलो थोड़ा इजी हो गया भैया के लिए। बाकी कानपुर भी आप जा सकते हैं, आगरा जा सकते हैं, मथुरा जा सकते हैं, पलवल जा सकते हैं, दिल्ली कालकाजी, दिल्ली रोहिणी, गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, आपका जयपुर, गुरुग्राम, कोचर मार्केट, लुधियाना भी जा सकते हैं, और जल्दी ही ग्वालियर भी आउटलेट ओपन होगा। उसके बाद पटना बिहार का नंबर है, सब जगह आउटलेट ओपन होंगे। वीडियो चले तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।